चलो भाई, मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी। राधा माधव जी दर्शन करो। जय हो राधा माधव। और मैंने डाइट वगैरह ले ली थी अपनी, जो खाना मतलब खाना खाना था वो खा लिया मैंने। उसके बाद मैं आधे पौने घंटे बाद नहा लिया हूँ, अब निकलते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ कहाँ निकलते हैं। आपको पता है 2-3 दिन से मेरा हो ही नहीं रहा यार जाना। कड़ा लेके आने के लिए बोला था तो उस दिन मिला नहीं था, तो आज हम जा रहे हैं दोनों भाई कड़ा लेने के लिए अपना। भाई जरूरी है वो पहनना है भाई, बहुत जरूरी है वो, आज लेके आते हैं हम। तो भाई मम्मी और मार्केट में, मम्मी को मार्केट से पिक करेंगे, उसके बाद चलते हैं। आज तो भाई हो जाना चाहिए, अगर आज भी नहीं हुआ ना यार आदि है सीन बढ़ जाएगा भाई, बहुत गंदा है ना। आज तो होना चाहिए यार, मैं फोन फोन करके नहीं जाता भाई, ऐसे बस अटैक कर देंगे जाते कि भाई दो कड़े दे दो हमारे कड़े। हाँ तो ओके, खा पी के फायदा निकल रहे हैं, नहाने पहले भी खाना खा ही लिया था। तो भाई हम निकल गए हैं घर से, और आपको पता है यार अभी मेरे को ना मतलब 1-2 दिन हो गए मैं साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। और अब मैं सोच रहा हूँ आज ना जल्दी आता हूँ और साइकिलिंग के लिए निकल जाता हूँ यार। कुछ दिनों से बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही है चंडीगढ़ में, इतनी बारिश हो रही है ना पूछो मत। और ना रनिंग करने के लिए जगह मिल रही है, मैं पार्क में जाऊँ या रोड पे रनिंग करूँ समझ नहीं आता, क्योंकि पार्क में यार ऑलरेडी भरे होते हैं ना, पानी भरा होता है, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। तो आदि क्या कहता है भाई, आज जाना चाहिए साइकिलिंग के लिए? जवान 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 है। अच्छा जवान, नेवी नेवी। हाँ तो हम क्या करते हैं, तो क्या जाना चाहिए, जाना तो चाहिए भाई, जाना चाहिए भाई, है ना। हाँ जगह में रहते जाना चाहिए यार। आपको नहीं पता मेरी साइकिलिंग बहुत ही जरूरी है करना। नहीं तो साइकिलिंग तो कर ही लो, उसमें तो क्या ही जाओ। आँख तेरी, ओ भाई जाम, ओ भाई ओ तेरी। घुमा लूं गाड़ी तो बचत हो जाएगी ना, इतनी बड़ी लाइटों में कौन जाएगा। भाई यू टर्न मार दिया हमने, हम यहीं से निकल जाएंगे बीचों बीच, बस रास्ते पता होने चाहिए चंडीगढ़ में, फिर कोई टेंशन नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ ना, सभी को मेरी गाड़ी के आगे आना होता है। हाँ। याद है देखा कल क्या हुआ था? हाँ। काम हो गया था भाई, सारे अपनी गाड़ी के आगे आते हैं। और नहीं क्या, अपनी गाड़ी के आगे आते हैं। आपको पता है मैं ना इन जाम वाले टाइम में ना मैं बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन अब मजबूरन निकलना पड़ता है। आज कड़ा लेने जाना तो देखो निकलना पड़ेगा। मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई ये जो शाम का टाइम है ना, मैं गाड़ी लेके ना निकलूँ, मैं ना निकलूँ, मैं गाड़ी ना चलाऊँ, मैं साइकिल ही चलाऊँ। लेकिन यार मजबूरी का नाम अब जाना पड़ता है भाई, तो क्या करे। एक बार भाई यहाँ पे लड़ाई हो गई थी बता बंदे की। अच्छा लड़ाई क्या हो गई थी, मतलब मैं गाड़ी लेके आया और मेरी गाड़ी नॉर्मल थी, 30 की स्पीड पे, 30-35 की स्पीड पे, और आगे बंदे ने ना एकदम से गोली की तरह गाड़ी निकाली। मैंने कहा अबे पागल है क्या, इतने में बस बंदा रुक गया गाड़ी में से। चलो हाँ क्या भाई, मैंने ये बोले पागल है क्या। मैंने कहा ऐसे थोड़ी जाना चाहिए आगे से निकल के, तो कांगड़ी सा था बिल्कुल पतला सा। इनका भाई थोड़ा ध्यान से चलाएगा तो यार, ऑल्टो में था बंदा, हवा पूरी गले तक। मम्मी कह रहे हैं हम रोड पे खड़े हैं, रोड पे आ जाओ। मैंने मम्मी को बोल दिया था, मम्मा घर पे मत आना, मैं ही आ जाऊंगा आपको पिक करने के लिए। चलो भाई मम्मी को पिक करते हैं, फिर हम चलते हैं सीधा ज्वेलरी शॉप कड़ा लेने अपना। भाई बहुत टाइम से ना खाली हाथ अच्छा नहीं लग रहा यार। मेरे को भी आवाज हल्का हल्का लग रहा था। मैं ना जैसे कहीं बैठता हूँ ना, मैं ऐसे ना आराम से बैठता हूँ कि कड़ा ना लगती आवाज करता है। यार आवाज तो हुई नहीं मुझे, अच्छा कड़ा तो है। अरे 2-3 दिन तो मेरे साथ, मेरा पता क्या, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, मतलब मेरे को आदत है, मैं आगे कड़ा करके ना पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे फंस जाता है फिर वो, मतलब मेरे साथ ऐसे है, मैं ऐसे करके ऐसे कर लेता हूँ फंस जाता है। और 2-3 दिन तो ऐसे खाली आता से गया मैं भाई। मतलब बहुत मुश्किल है यार डेली वीडियो, मतलब व्लॉगिंग करना, ऊपर से जिंदगी में वैसा ही नहीं कुछ करने को जो आपको दिखाए जिंदगी, झंड है तो यार इसलिए कोई बात नहीं।
हम मोटिवेट होते हैं फिर आपको भी मोटिवेट करते हैं कि भाई कोई बात नहीं। बाकी लाइफ में एक चीज मेरे जो जुड़ चुकी है ना, योगा बेस्ट पार्ट जुड़ चुका है, ये बहुत अच्छा हो गया। वन बस इसको कभी ऐसे दूर मत करना कभी कि मैं आलस करूंगी, नहीं करना, करना है यार योगा। यार जिम में तो जैसे आलस आ जाता था ना कि यार छोड़ यार क्या जाना है जिम, लेकिन इसमें तो बहुत तगड़ा आलस। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें होता करना है। और मकान लगाए हूं नहीं, आपके लिए नहीं है, वो मेरे हैं। सारे खत्म कर देते नो, वही मकान अपने फेवरेट है, मकान पर छोड़ते नहीं, बहुत टेस्टी होते हैं गुड़ वाले भाई। अबे निकल जो यार, बिल्कुल ऐन मौके पे किनारे बसा दिया। बता 103 भाई, भाई जाम देखो, जाम जाम देखो, जाम देखो, जाम देखो, पूरे चंडीगढ़ में जाम ही जाम रहता है भाई। तू मत निकल, बहुत फसम फसम फसाई हो जाएगी आज, तो फसम फसाई होने वाला सीन है। वो देखो कैसे भाई फसे भी आ गए भाई, भाई फसा रहे हैं बंदे। अरे भाई रुक जा भाई, अब सॉरी भाई, क्या करता मैं, ऐसे निकलना होता। इस वक्त जाम है भाई, बताया था मैंने आपको, शाम को तो जाम मिलता है राज्य के भाई। आगे आगे कड़े आ चुके हैं, हम लेके जाते हैं, घर पे दिखाऊंगा अब मैं कैसे हूँ। अभी कैसा लग रहा तेरे को? अभी इधर आ जा, इधर आ जा, कैसा लग रहा तेरे को? बढ़िया, सही है ना भाई? आ चुके हैं कड़े, मेरे हाथ नहीं है, मैं घर पे दिखाऊंगा जाके आपको लगते कैसे हैं। तो भाई अपने कुछ कुछ भाई ने तो कीड़े को देख के चिल्लाता था। सही है भाई, कीड़ा फेंक दिया भाई बंदे ने बार। चलो यार बढ़िया, अपने कड़े आ चुके हैं, लेकिन अभी हम गाड़ी रोक के खुशी व्यक्त करते हैं। मम्मी ने भी जा रहे हैं यहाँ पे मार्केट में, उसके बाद हम आपको अपनी खुशी बताते हैं। खुशी डांस करेंगे ऐसे करके। ओ यार आधी तो इसने सुस्ती डाली हुई है यार, भाई गोड व्लॉग में यार आधे सच में यार आधी आपा था कड़ा ही लेना है, सानू की पता तुझे कुछ और भी लेना है सामान। लो भाई अब घर पे जाके आपको पहन के दिखाएंगे, ठीक है? राधा माधव जी के पहले चरणों में लगेंगे, फिर हम बोले चूड़ियां बोले कड़े कड़े पहनेंगे भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई तू सोया नहीं क्या यार? बताओ भाई ये आजकल की जनरेशन है यार, हैं भाई? वो लाइन सही बोली थी रंजीत भावे ने, कहना दादे होरी लंघ के सुरंगा पुट के पोते लेके उठते सहारा सुटे दा। खैर सुट्टा तो नहीं है, लेकिन बात सही बोली है भाई, आजकल की हड्डियों में जान ही नहीं है यार। हड्डियों और नींद का क्या रहता है भाई? रिलेशन यही है ना, फुर्ती दिखा, चुस्ती फुर्ती तो रहनी चाहिए। तू कर रहा भाई, ओ भाई बता यार, तू रहने दे भाई, तू रहने दे। तो चलो भाई घर पे पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? लोग इस तरह तो सुस्ती डाल देनी है और मेरे को भी सुला देना, यहाँ पे रोड पे लगा रखी है अपने, रोड पे देखो बीच में गाड़ी। मुझे ना वैसे किसी भी चीज का शौक नहीं है, किसी भी ज्वेलरी का शौक नहीं है, ना मुझे गोल्ड का शौक है। तेरी बहन की बाद में पी पी पों पों कर लियो और गुब्बारे बेचने वाला हुआ, खड़ जाए एक मिनट हो गया। तो भाई मेरे को किसी भी चीज तेरी, तो भाई मैं ये बोल रहा था आपको कि मेरे को ना किसी भी ज्वेलरी का शौक नहीं है, ना मेरे को गोल्ड का शौक है, ना मेरे को प्लैटिनम होता ना, ना मेरे को प्लैटिनम नहीं सिल्वर का तो है, ना मेरे को प्लैटिनम का शौक है, ना मेरे को सिल्वर की ज्वेलरी का शौक है। बस भाई एक ही शौक है अपना, वो है मेरा कड़े का। मेरे को चैने चुने पहनने का शौक नहीं है। कर दें जी आगे, कर दें अंकल स्टाइल देखा करो अंकल। लो जी XUV500 अंकल की, तभी थोड़ा सा उस हिसाब से अंकल ने बोला ना। अंकल का गाड़ी आगे कराने का शायद थोड़ा कैजुअल था थोड़ा। ओए प्यार से बोल लेते हैं। लेकिन भाई सच में अगर मेरे को ज्वेलरी का किसी का शौक होता ना, गोल्ड गोल्ड की भी, मैं जो कड़ा मैंने बनाया है ना थोड़ा सा, वैसे ही मैं कड़ा बनाता गोल्ड का भी, सच बता रहा हूँ ना। लेकिन मेरे को शौक नहीं है भाई गोल्ड गोल्ड की, अपने को मतलब अंदर से आवाज नहीं आती यार अपने, रफ एंड टफ और कुछ नहीं। और तेरा भाई हाउस योर सेम? मेरे को कड़ा बेस्ट लगता है, सेम है भाई अपने दोनों भाइयों का, कड़ा बेस्ट लगता है अपने को। ज्वेलरी साइड में वो पसंद ही नहीं कुछ, क्योंकि यार हम ना रफ टफ बंदे हैं, हमें पता नहीं भाई ऑन द स्पॉट अपने को अलग अलग चूल होती है। प्रेफर अपना कड़ा ही करता हूँ, आप हमेशा मेरे हाथ में हमेशा कड़ा ही देखोगे। कभी हो गया ब्याह शादियों में भाई चैने चुने पहन लेते हैं, अदरवाइज मेरे को ना भाई घुटन होती है रिंग पहन के, चेन पहन के। आपने रिंग भी देखी होगी मेरे हाथ में, मैं सिर्फ कड़ा कड़े वाले बंदे हैं भाई अपा। दो भाई इतनी एक तो देर इतनी देर बाद आए और अब चले आए गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खाने भाई, इसको गोलगप्पे खाने हैं।
आदि चलो भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे को तो पता है खतरनाक होते हैं गोलगप्पे। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खाओ, मेरे को नहीं खाने। मैं खाता था गोलगप्पे, फिलहाल नहीं खाने अभी। चलो भाई आ गए गोलगप्पे खा के, कैसे लगे भाई गोलगप्पे? बढ़िया, स्वाद आ गया। चलो भाई अब चलते हैं घर पे, कड़े भी खाने हैं भाई। हाँ यार बड़ी देर बाद, बड़ी देर में मैं तो रगड़ी दी थी क्या उसकी रेडी? रेडी खा गए थे क्या उसकी? हमसे पहले भी थे ना, पहले उसको दे रहा। भाई अब मैं आपको दिखाऊंगा हम दोनों के कड़े, जो कि है हमारी सिस्टर्स ने हमें गिफ्ट दिए हैं रक्षाबंधन के ऊपर। हम पैन पहन रहे हैं वो अलग बात है, हम पैन पहन रहे हैं वो अलग बात है। हाँ हम पैन पहन रहे हैं ना, रक्षाबंधन में पहन रहे हैं, हम पैन पहन रहे हैं, लेकिन हमारी बहनों ने हमें गिफ्ट दिए हैं। ये हैं हमारे कड़े, आदि वाले में ज़्यादा शाइन है, मेरे वाले में कम शाइन है। ये भाई, तो भाई ये हैं कड़े मेरे और आदि के, ठीक है, सही है ना भाई? बढ़िया लग रहे हैं, ओके रिपोर्ट है। अब ये हम पहनेंगे, पहले भगवान जी को टच कराएंगे, उसके बाद हम पहनेंगे, ठीक है ब्रो? हाँ ब्रो, ओके ब्रो। चलो मम्मी को दे दे, ये शुद्ध होके आ गए हैं, अब हम पहनेंगे अपने कड़े। आज यहाँ से बैठ जाते हैं, पहन हम राखी से पहले रहे हैं, गिफ्ट में पहले मिल चुका है। चल आदि पहन ले, जय माँ या दोनों के कड़े। तो एक मिनट में बता रहा हूँ, ये भाई बंद हो गए। नाइस ब्रो, सही है ना? हाँ यार सच में मेरे को हल्का, ये भी हल्का लग रहा है भाई। अरे यार मेरे को हल्का लग रहा है यार, ये भी सच में यार भाई, तेरे को नहीं हल्का लग रहा तेरे वाला? मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक लग, मेरे को हल्का लग रहा है यार मेरे वाला, पता नहीं क्यों। नहीं तो नंबर लो, तो चलो भाई अब हो गया सोने का टाइम, एडिटिंग करूंगा मैं तो। टाइम देखो भाई 12 बजने वाले, 12:15 हो गए हैं। अपने को मिल गया कड़े, ये भाई तू भी दिखा दे अपना कड़े मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। एंड यू ब्रो, ये वाला ये स्टाइल में फंसा लेता हूँ यहाँ पे, ये सही है। तो चलो ब्रो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। और मैं अभी सेक लूंगा यार यहाँ पे ना, अपना आइस पैक रखूंगा यहाँ पे, थोड़ा जो दर्द कर रहा था ना, पता नहीं नस्टडी हुई है क्या, वो देखता हूँ क्या सिस्टम करना है, वो देखते हैं। तो चलो कल मिलते हैं, और योगा क्या करो सारे, बढ़िया होता है योगा से, योगा से ही होगा। तरक्की पक्की है गर यार, दमदार हो तरक्की।